नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज का सत्र बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि, जिनका नाम तार सप्तक की विषय सूची में सबसे पहले आता है, अनुक्रमणिका में सबसे पहले आता है। भले ही कविताएं उनकी बाद में संकलित हैं, लेकिन सबसे पहले जिनका नाम तार सप्तक में आता है वे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, और उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता अंधेरे में पढ़ने वाले हैं। और अंधेरे में जिस कविता का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे महारथियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आज उस कविता से साक्षात्कार करने वाले हैं हम, उस कविता को अपने भीतर लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि हम कविता के मूल पाठ की शुरुआत करें दोस्तों, कविता क्योंकि फैंटेसी शिल्प में लिखी गई है, थोड़ी जटिल है, लेकिन एक बार अगर हम इसके मर्म को समझ लेंगे, कुछ एक शब्दों पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा अंधेरे में के मूल कथ्य को समझ पाना। तो आज के सत्र में हम केवल अंधेरे में कविता के महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे, उसमें जो समस्याएं उठाई गई हैं उन पर बात करेंगे, जो कथ्य है उस पर बात करेंगे, और अलग अलग विद्वानों ने अंधेरे में के लिए क्या क्या विचार व्यक्त किए हैं, उसकी पृष्ठभूमि को लेकर अलग अलग विचार हैं, उसके स्वरूप को लेकर अलग अलग विचार हैं, सभी विचारों पर हम बात करते हुए इस पूरे कविता की पृष्ठभूमि को समझेंगे। और अगले सत्र से हम शुरू करेंगे इस कविता को क्रमबद्ध रूप में पढ़ना और समझना, ताकि हमारी पकड़ मजबूत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है दोस्तों, वो ये, एक तो आपको ये जान लेना चाहिए, मैं अक्सर कहती हूं दोस्तों कि जब हम किसी भी रचनाकार की कृति को पढ़ते हैं, जो उसके जीवन का, उसके विचारों का प्रतिबिंब होती है, हमारे लिए जरूरी होता है कि हम उसकी पृष्ठभूमि यानी किन परिस्थितियों से जूझा रचनाकार, कवि या साहित्यकार जो भी है, चाहे वो उपन्यास लेखक हैं, गद्य लेखक हैं, कथाकार हैं या वे कवि हैं, उनकी उस मनःस्थिति को, उनके उस मूल व्यक्तित्व की प्रवृत्ति को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों ही तरह से, आंतरिक व्यक्तित्व कवि का मूलभूत कैसा रहा और बाह्य व्यक्तित्व किन दबावों से होकर गुजरा, ये बात हमारे लिए जाननी जरूरी है, क्योंकि परिस्थितियां ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करती हैं। ये बात हम प्रेमचंद के समय में भी देख चुके हैं। प्रेमचंद जिस तरह से अपने युग में अभावग्रस्त जीवन उन्होंने जिया और जीवन के कड़वे यथार्थ को उन्होंने अपनी खुली और सजग आंखों से देखा, उसी की अगली कड़ी मैं कह सकती हूँ कि मुक्तिबोध के काव्य में हमें दृष्टिगत होती है, नजर आती है, क्योंकि मुक्तिबोध भी अपने जीवन में उन्हीं आर्थिक संघर्षों से भी गुजरे, मानसिक तनावों और दबावों से भी गुजरे। हालांकि प्रेमचंद की तुलना में मुक्तिबोध के मानसिक दबाव, उनके आंतरिक संघर्ष कहीं ज्यादा थे, और यही कारण है कि उनके साहित्य में वो दबाव, वो आंतरिक संघर्ष, वो सारे के सारे तनाव अपने पूरे सशक्त और प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। तो हम जैसे जैसे इन महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, मैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको जरूर बताऊंगी जिन परिस्थितियों से वो कवि इस सृजन के दौरान गुजरे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि ये कविता 1964 में कवि का एक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ, चांद का मुंह टेढ़ा है, उसमें संकलित कविता है। ये बिंदु आपको भूलना नहीं है। दूसरी बात, 1964 का वर्ष मुक्तिबोध के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि इसी वर्ष उनकी मृत्यु हुई, और उनका पहला कवि, उनकी सबसे बड़ी विडंबना उनके जीवन की ये है कि वे जीवन में कितने भी प्रभावशाली कवि क्यों न रहे हों, लेकिन उनके जीवन काल में उनका एक भी कविता संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ। उनकी कविताएं अलग अलग पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं, तार सप्तक में प्रकाशित हुई, उनको पर्याप्त नाम और सम्मान साहित्य जगत में मिला, लेकिन इसके बावजूद उनके जीवन काल में कोई भी कविता संग्रह उनका प्रकाशित नहीं हुआ। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है कि चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह में संकलित है उनकी ये कविता, और चांद का मुंह टेढ़ा है कि पूरी योजना, कौन सी कविताएं वहां इसमें शामिल होंगी, ये
मानसिक स्तर पर अपने हृदय में पूरी की पूरी योजना मुक्तिबोध स्वयं बना चुके थे, लेकिन इसको अंतिम रूप देने का काम उनके अभिन्न मित्र और सहयोगी श्रीकांत वर्मा ने किया। श्रीकांत वर्मा को जैसे जैसे निर्देश मुक्तिबोध ने दिए अपनी मृत्यु से पहले, उनका अक्षरशः उन्होंने पालन किया। दूसरी बात, इस कविता के लेखन के कुछ ही समय बाद मुक्तिबोध अस्वस्थ हो गए, ब्रेन हैमरेज हुआ उन्हें, वे अस्पताल में भर्ती कराए गए। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात कि ये पहला साहित्यकार था जिसके लिए सारा साहित्य जगत जिसके इलाज के लिए एकत्रित हो गया, संगठित हो गया, और भारत सरकार से पुकार की गई, रिक्वेस्ट की गई कि इनका इलाज सरकारी खर्चे पर होना चाहिए, क्योंकि साहित्य जगत की ही नहीं राष्ट्र की अनमोल धरोहर है मुक्तिबोध। और वही हुआ, मध्य प्रदेश के अस्पताल से उन्हें दिल्ली के अस्पताल लाया गया। और यही समय था जबकि नेहरू जी, जो हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वे भी अस्वस्थ थे। तो मुक्तिबोध अस्वस्थता की स्थिति में भी जैसे थोड़ा बहुत होश उन्हें आता था तो वे हमेशा अपने सहयोगी साहित्यकारों से नेहरू जी की तबीयत के विषय में पूछा करते थे। तो इस ये बिंदु मैं आपको दोस्तों खास तौर पर इसलिए बता रही हूँ कि आपकी जानकारी में ये होना चाहिए कि एक साहित्यकार अपने परिवेश की हर एक नब्ज, हर एक धड़कन के प्रति कितना सजग और संवेदनशील होता है। और जो जितना अधिक सजग, जितना अधिक संवेदनशील होता है, उतने ही भीतरी तनावों के दौर से वो गुजरता है और उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही प्रभावशाली होती है। तो चलिए अगले बिंदु पर आते हैं। तो 1964 में प्रकाशित चांद का मुंह टेढ़ा है मैं संकलित ये कविता है। ये कविता एक लंबी कविता है और ये 8 भागों में विभक्त है, इस बिंदु को आपको भूलना नहीं है। अगला बिंदु है कि मुक्तिबोध रचनावली नाम से उनकी प्रमुख कृतियों का जो संकलन किया गया नैमीचंद जैन के द्वारा, उन्होंने इस मुक्तिबोध रचनावली में इस कविता का प्रकाशन, लेखन काल, रचना काल 1957 से 1962 के मध्य संभावित माना है। यानी नैमीचंद जैन ने यह संभावना व्यक्त की है कि संभवतः अंधेरे में कविता 1957 से 1962 के बीच मुक्तिबोध ने रची। अगले बिंदु पर आते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, नाटकीय शिल्प में रचित, फैंटेसी में ढली कविता है अंधेरे में। यदि दोस्तों अक्सर इस तरह के प्रश्न अंधेरे में के लिए कविता प्रश्न पत्रों में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से अंधेरे में कविता के विषय में असंगत कथन कौन सा है, तो देखिए आपको इन सारे बिंदुओं को कंठस्थ कर लेना है। पहली बात, चांद का मुंह टेढ़ा है जो 1964 में प्रकाशित हुआ उसमें संकलित है। दूसरी बात, 8 भागों में विभक्त एक लंबी कविता है। तीसरी बात, नैमीचंद जैन ने 1957 से 1962 के मध्य इसका रचनाकाल संभावित माना है। और चौथी बात, इसका शिल्प नाटकीय है। नाटकीय शिल्प की पहचान दोस्तों काव्य में कैसे होती है, इस बात को भी संक्षेप में मैं आपको समझा देती हूँ। जब कभी भी काव्य में, किसी कविता में संवादों की, भावों के उतार चढ़ाव की अभिव्यक्ति होती है जिस तरीके से नाटक में होती है, और नाटक में तो कोष्ठक में लिख दिया जाता है कि तेवर ऊंचे करके या माथे पर सलवटें लाते हुए या क्रोध से या आवेश में भरकर, लेकिन यहाँ वो सब नहीं होता। यहाँ शब्दों के जरिए उस नाटकीयता का पूरा दृश्य साकार करने की कोशिश की जाती है। तो अंधेरे में के जो शिल्प है उसकी एक बहुत खास विशेषता है कि ये नाटकीय शिल्प में लिखी रचना है। और दूसरी बात, ये फैंटेसी है। अब फैंटेसी मैं पहले भी ब्रह्म राक्षस के दौरान, भूल गलती के दौरान चर्चा कर चुकी हूँ, एक बार फिर संक्षेप में बताती हूँ कि फैंटेसी काव्य लेखन की वो शैली है, वो आधुनिक शैली है जिसमें कवि अपने मनोजगत में एक अत्यधिक कपोल कल्पना के वातावरण का सृजन करता है, और उस सृजन का उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता, उस सृजन का उद्देश्य होता है परिवेश की कड़वी सच्चाइयों को सामने लाना और उन पर चोट करना। तो ये फैंटेसी इसी तरह का, ब्रह्म राक्षस में भी मुक्तिबोध एक ऐसा ही जगत निर्माण करते हैं जो कि काल्पनिक है, जैसा संभवतः आमतौर पर जगत में दिखाई नहीं देता। इसी तरह से भूल गलती कविता जो हम पढ़ चुके हैं उसमें भी वो एक राजा के दरबार का पूरा दृश्य साकार करते हैं और शासन की विसंगतियों पर चोट करते हैं। उसी तरह से अंधेरे में भी फैंटेसी शिल्प में रची हुई, बंधी हुई कविता है। तो इसके शिल्प की दो विशेषताएं हैं, पहली विशेषता नाटकीय शिल्प, दूसरी विशेषता फैंटेसी, और तीसरी विशेषता मैं यहीं बता देती हूं आपको, प्रतीकात्मकता।
जब हम कविता पढ़ेंगे तो हम इसके सारे प्रतीकों पर गहराई से चर्चा करेंगे, क्योंकि उन प्रतीकों को जाने बिना हम उस कविता के मर्म को समझ ही नहीं सकेंगे। अगला बिंदु, इसकी अंतर्वस्तु में, यानी इसमें क्या कहना चाहते हैं, इसका जो मूल तथ्य है वो क्या है। इसकी अंतर्वस्तु में मुक्तिबोध ने अपने समय के प्रखर यथार्थ को, सत्ता के दमनकारी जनविरोधी चेहरे को, आतंक, भय, यातना, हिंसा और रक्तपात की बुनियाद पर टिकी उसकी एक एक ईंट को बेनकाब किया है। यानी इसकी कथा वस्तु किससे संबंधित है, अपने समय के यथार्थ से। कैसा यथार्थ, जो प्रखर है, यानी चुभने वाला है, चोट पहुंचाने वाला है, घाघात करने वाला है, ऐसे प्रखर यथार्थ को अभिव्यक्त किया है। और उस प्रखर यथार्थ में क्या क्या है, परिवेश की विसंगतियां तो है ही, उसके अलावा जो शासन व्यवस्था थी उस समय वो किस प्रकार जन विरोधी हो रही थी, यानी प्रजा के विपरीत गतिविधियों, प्रजा के हित में गतिविधियां नहीं कर रही थी, कार्य नहीं कर रही थी, बल्कि जन विरोधी जो चेहरा था सत्ता का, उसे बेनकाब करने की कोशिश की है। और उस जन विरोधी चेहरे के कारण परिवेश में, समाज में जो आतंक, जो भय, पीड़ा, जो हिंसा और जो रक्तपात समाज में उस समय के परिवेश में व्याप्त हो गया था, उसको बेनकाब करने की कोशिश की है मुक्तिबोध ने इस कविता के माध्यम से। अब बात आती है चांद का मुंह टेढ़ा है, जिस संकलन में ये कविता संकलित है, उस संकलन की भूमिका में इस कविता के विषय में क्या कहा गया है। मैंने दोस्तों अभी अभी आपको बताया कि श्रीकांत वर्मा ने संकलन किया था ये तैयार, लेकिन मुक्तिबोध की इच्छा के अनुरूप, उनकी जो वे चाहते थे इस संकलन में उनकी कविताएं संकलित हों, वे ही कविताएं इसमें संकलित की गई, जिनमें से अंधेरे में एक है। तो श्रीकांत वर्मा ने इस भूमिका में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु उद्घाटित किए हैं, उनके विषय में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला बिंदु है, किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास न हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास हैं। जो इन कविताओं को समझेंगे उन्हें मुक्तिबोध को किसी और रूप में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी श्रीकांत वर्मा ये मानते हैं कि मुक्तिबोध अपने मूल रूप में जिस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे, जिस तरह की चिंतन धारा के वे मालिक थे, वही उनके साहित्य में अभिव्यक्त हुआ है। यानी उनका साहित्य उनके जीवन का, उनके परिवेश का, उसके समकालीन परिवेश का प्रतिबिंब तो है ही, साथ ही उनके स्वयं के जीवन, उनकी विचारधारा, उनके दृष्टिकोण का भी ज्वलंत दस्तावेज है। यही कारण है कि श्रीकांत वर्मा को लगता है कि यदि कोई व्यक्ति कविताएं पढ़ ले और गहराई से उन्हें समझ ले, मुक्तिबोध की कविताओं को, तो उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा शेष जो वे मुक्तिबोध के विषय में उनकी कविताओं से जान न पाए हों। यानी मुक्तिबोध के जीवन, उनकी विचारधारा, उनके दृष्टिकोण की पूरी जानकारी उनकी कविताओं में मिलती है। यदि मुक्तिबोध को जानना है तो उनकी कविताओं को जानना जरूरी है, ऐसा श्रीकांत वर्मा कहते हैं। आगे चले, आगे वे लिखते हैं, जिंदगी के एक एक स्नायु के तनाव को एक बार जीवन में और दूसरी बार अपनी कविताओं में जीकर मुक्तिबोध ने अपनी स्मृति के लिए सैकड़ों कविताएं छोड़ी हैं, और ये कविताएं ही उनका जीवन वृत्तांत है। वे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए श्रीकांत वर्मा कहते हैं कि एक जिंदगी की एक एक स्नायु, स्नायु का मतलब आप सभी जानते होंगे नस, नाड़ी, कि जीवन में जितना संघर्ष, जितनी तपिश मुक्तिबोध ने झेली, कि इतना तनाव था उनके जीवन में कि उस तनाव को से उनकी शरीर की एक एक नस वाकिफ थी। यानी उस तनाव को उनके शरीर की एक एक नस ने गहराई से भोगा। तो उस तनाव को मुक्तिबोध ने दो स्तरों पर भोगा, कौन से स्तर, पहला अपने जीवन में, और दूसरा जब उस तनाव को अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया। तो दोस्तों आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए किसी भी साहित्यकार के विषय में कि साहित्यकार के सृजन की भी एक पीड़ा होती है, क्योंकि साहित्यकार जिस किसी भी बिंदु पर अपने साहित्य का सृजन करता है, जिस किसी भी तथ्य को अपने साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, वो उस भोगे हुए यथार्थ को आंतरिक स्तर पर एक बार फिर भोगने के लिए विवश होता है। क्योंकि जब जितनी सच्ची वो अनुभूति होगी उतनी ही प्रभावशाली अभिव्यक्ति होगी। तो इसीलिए श्रीकांत वर्मा कह रहे हैं कि जो तनाव उन्होंने अपने जीवन में, मुक्तिबोध ने अपने जीवन में झेला, भोगा, वही जब उन्होंने कविता में अभिव्यक्त करना चाहा तो उन्होंने दोबारा उसी तनाव को अपनी कविताओं में वापस जिया और फिर उसे अभिव्यक्त किया। और यही कारण है कि मुक्तिबोध की कविताएं
उनकी सारी की सारी जीवन कथा को यथा रूप प्रस्तुत करती हैं, जैसा उनका जीवन रहा, जैसा उनका व्यक्तित्व रहा, उसका जीता जागता उदाहरण है उनकी कविताएं। आगे चले। बीमारी के दौरान मुक्तिबोध ने इच्छा जाहिर की कि संकलन में उनकी दो कविताएं कौन कौन सी, ध्यान रख लेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है, चंबल की घाटियां और आशंका के द्वीप अंधेरे में। यानी मुक्तिबोध बिल्कुल मृत्यु शैया पर थे और चांद का मुंह टेढ़ा है कि पांडुलिपि बिल्कुल तैयार थी। मुक्तिबोध ने अंतिम समय में ये इच्छा जाहिर की श्रीकांत वर्मा के समक्ष कि इस संकलन में उनकी दो कविताएं जरूर संकलित की जाएं। उनमें से एक कविता थी चंबल की घाटियां और दूसरी थी आशंका के द्वीप अंधेरे में। और उन्होंने क्या कहा, दोनों को एक के बाद दूसरी छापी जाए, यानी इनका क्रम भी एक के बाद दूसरा रखा जाए, यानी क्रमशः इनका संकलन किया जाए और दूसरी का शीर्षक बदल दिया जाए। यानी आशंका के द्वीप अंधेरे में जो कविता है उसका शीर्षक मूल रूप से क्या था, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका शीर्षक था आशंका के द्वीप अंधेरे में, लेकिन कवि ने मृत्यु से पहले यह इच्छा जाहिर की श्रीकांत वर्मा के समक्ष कि इस दूसरी कविता के यानी अंधेरे में का शीर्षक बदल दिया जाए। उन्होंने कहा था कि आशंका के द्वीप अंधेरे में शीर्षक मैंने एक विशेष मनस्थिति के प्रवाह में दिया था, इसलिए कवि ने इच्छा जाहिर की कि अंधेरे में के आशंका के द्वीप को हटा दिया जाए और कविता का शीर्षक केवल अंधेरे में रखा जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इस बात को कंठस्थ कर लेंगे। आगे चले। उनकी इच्छा के मुताबिक शीर्षक से मैंने आशंका के द्वीप हटा दिया है, हालांकि मुझे लगता है कि यह शीर्षक इस कविता के अर्थ को अच्छी तरह से व्यंजित करता है। यानी निजी स्तर पर श्रीकांत वर्मा महसूस करते हैं कि आशंका के द्वीप अंधेरे में इस कविता के लिए बिल्कुल समीचीन, बिल्कुल उपयुक्त और सटीक शीर्षक था, लेकिन क्योंकि मुक्तिबोध की इच्छा थी आशंका के द्वीप, उन्होंने किसी विशेष मनस्थिति के तहत यह शीर्षक रखा था, तो आशंका के द्वीप हटा दिया जाए और कविता का शीर्षक केवल अंधेरे में रखा जाए, इसलिए श्रीकांत वर्मा ने शीर्षक से आशंका के द्वीप हटा दिया। ये दोनों ही कविताएं उनकी बीमार पड़ने के, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान देंगे, ये दोनों ही कविताएं उनकी बीमार पड़ने के कुछ समय पहले की कविताएं हैं और इस दृष्टि से अब तक की कविताओं में ये उनकी अंतिम कविताएं हैं। यानी प्रश्न यदि पूछा जाए कि मुक्तिबोध की अंतिम कविताएं कौन सी हैं, तो आपका उत्तर एक ही होना चाहिए, चंबल की घाटियां और अंधेरे में। इनमें से जो भी नाम विकल्प में आए उसी को आपको चिन्हित करना है, क्योंकि स्वयं चांद का मुंह टेढ़ा की भूमिका में श्रीकांत वर्मा इस बात को स्वीकार करते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु चांद का मुंह टेढ़ा है के विषय में। भूमिका श्रीकांत वर्मा ने लिखी, संकलन श्रीकांत वर्मा ने तैयार किया, लेकिन इसमें एक और आमुख है जो शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा और उस आमुख का नाम है एक विलक्षण प्रतिभा। और इसमें उन्होंने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण, मुक्तिबोध के जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण अनेक बिंदुओं पर, अनेक प्रसंगों पर प्रकाश डाला है और उन्होंने कब कब किस किस रूप में मुक्तिबोध को करीब से जाना, उनके साथ कैसे संपर्क किया, किस प्रकार अंधेरे में उन्होंने मुक्तिबोध के स्वयं के मुख से सुनी, उन सब की चर्चा उन्होंने इस विलक्षण प्रतिभा नामक अपने वक्तव्य में की है। तो वे लिखते हैं, राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में उन्हें नौकरी मिल गई। यानी मुक्तिबोध को जब उन्होंने ये कविता लिखी उससे पहले राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में नौकरी मिली। राजनांदगांव उस समय मध्य प्रदेश में हुआ करता था, आजकल छत्तीसगढ़ में है। तो राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में उन्हें नौकरी मिल गई। उनकी परिस्थिति में किंचित सुधार हुआ क्योंकि वे बहुत ही आर्थिक, गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहे थे मुक्तिबोध, लेकिन जब उन्हें नौकरी मिल गई तो उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी सुधरी। यहां आकर उन्होंने अपनी कुछ सफलतम कविताओं की सृष्टि की। शमशेर लिखते हैं कि यहाँ राजनांदगांव में आकर के उन्होंने कुछ अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कविताएं लिखी, जिनमें ब्रह्म राक्षस, ओरांग उटांग और अंधेरे में उल्लेखनीय है। यानी अंधेरे में कविता का जिक्र शमशेर बहादुर भी उनकी सफलतम कविताओं में करते हैं, इस बात को भूलना नहीं है। राजनांदगांव में सन 1961 में मैं मुक्तिबोध से मिला था। यानी शमशेर लिखते हैं कि 1961 में जब वे राजनांदगांव में थे तब वे मुक्तिबोध से मिले और उनकी तीन बहुत लंबी लाजवाब कविताएं मैंने उनके मुख से सुनी थी। कौन कौन सी कविताएं सुनी उन्होंने, उसका जिक्र उन्होंने किया है। पहली कविता थी अंधेरे में, दूसरी कविता थी प्रेम और तीसरी थी एक कथा।
इतना गहरा असर डालने वाली आधुनिक दृष्टि से इतनी पुष्ट और स्वस्थ कविताएं इतनी ओजस्वी मैंने निराला के बाद नहीं पढ़ी या सुनी। यानी वे स्वीकार करते हैं कि जिस जितना ओज, जितना अभिव्यक्ति का प्रभाव निराला अपनी वाणी में जब अपनी कविताएं सुनाया करते थे तब वे छोड़ते थे, उतना ही प्रभावशाली और ओजस्वी कविता पाठ उन्होंने निराला के बाद केवल मुक्तिबोध के मुख से सुना। और कौन कौन सी कविताएं उन्होंने सुनी मुक्तिबोध के मुख से? अंधेरे में, प्रेम और एक कथा। इन तीनों के शीर्षक आप कंठस्थ कर लेंगे। आगे चलें। आधुनिक हिंदी काव्य की प्रवृत्तियों पर शोध करने वाली, देखिए एक रचनाकार हमेशा एक कालजयी कृति का निर्माण करता है। कालजयी कृति होने का अर्थ क्या है दोस्तों? कालजयी कृति होने का अर्थ है कि व्यक्ति यानी सर्जक यानी रचनाकार साहित्यकार भले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए लेकिन उसकी रचनाकृति उसकी मृत्यु के सैकड़ों वर्ष बाद तक जीवन का परिवेश का सच्चा दस्तावेज होती है और आगामी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती है। रामचरित मानस से बेहतर उदाहरण इस दृष्टि से कोई नहीं। कितने सौ साल हो गए उस कृति की रचना हुए लेकिन आज तक हमारे जीवन में हमारी संस्कृति में उसकी उसका प्रभाव उसकी महत्ता निरंतर कायम है। वही स्थिति किसी भी रचनाकार की अनमोल कालजयी कृति की होती है। यानी रचनाएं जो ऐसी अभिव्यक्ति होती हैं कवि की जो काल पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य रखती हैं और यही कारण है कि आधुनिक हिंदी काव्य की प्रवृत्तियों पर शोध करने वाली बहुभाषा विज्ञ यानी बहुत सारी भाषाओं की जानकार विदुषी एक पोलिश कवयित्री, उनका नाम है श्रीमती गणेशका सोना, का मत है कि मुक्तिबोध सहज ही हिंदी के आधुनिक युग का सबसे शक्तिशाली कवि है। यानी एक पोलिश कवयित्री जिन्होंने पीएचडी किस पर की? हिंदी काव्य की प्रवृत्तियों पर, आधुनिक हिंदी काव्य की प्रवृत्तियों पर रिसर्च की, शोध किया और उसके बाद वे इस नतीजे पर पहुंची कि इस आधुनिक युग का सबसे शक्तिशाली कवि यदि कोई है तो वो है मुक्तिबोध। ये कथन आपको ध्यान में रखना है। मुक्तिबोध ने, ये शमशेर का कथन है, उन्होंने एक विलक्षण प्रतिभा में लिखा है, वे लिखते हैं कि मुक्तिबोध ने छायावाद की सीमाएं लांघकर प्रगतिवाद से मार्क्सी दर्शन ले प्रयोगवाद के अधिकांश हथियार संभाल उसकी स्वतंत्रता महसूस कर स्वतंत्र कवि रूप से सब वादों और पार्टियों से ऊपर उठकर निराला की सुथरी और खुली मानवतावादी परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया। दोस्तों मुक्तिबोध के साहित्यिक चेतना को समझने की दृष्टि से ये कथन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें लगभग मोटी मोटी वो सारी विशेषताएं मुक्तिबोध की कविताओं की आ जाती हैं जो कि वास्तव में हमें जाननी चाहिए। तो सबसे पहली बात, शमशेर किस बात को रेखांकित करते हैं? छायावाद की सीमाएं लांघकर। छायावाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? विशेषताएं कौन कौन सी थी? सौंदर्य चेतना, प्रेम और कल्पना। और यानी मुक्तिबोध ने अपने काव्य यात्रा प्रारंभ करने के समय छायावाद की इन तीनों महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों की सीमाएं पार कर ली। यानी वे उन्होंने इन तीनों बिंदुओं से आगे बढ़कर साहित्य सृजन शुरू किया। तो सबसे पहली विशेषता उनके काव्य की ये हुई। दूसरी विशेषता उनके काव्य की हुई कि उन्होंने प्रगतिवाद का जो मार्क्सवादी दर्शन था उससे प्रभाव ग्रहण किया। अब ये मार्क्सवादी दर्शन की कौन से बिंदु का प्रभाव उन्होंने ग्रहण किया? वो था वर्ग चेतना का अभाव। यानी जो वर्ग विषमता हमारे समाज में पूंजीपति शोषक और शोषित, पूंजीपति मजदूर, इनके बीच में जो अंतर दिखाई देता है और पूंजीपति वर्ग जिस तरह से शोषण करता है उसके विरोध में जो विचारधारा थी मार्क्सवाद में, जिसमें वो ये कल्पना करते थे मार्क्सवादी कि समाज में समता स्थापित हो, समानता स्थापित हो, उस दर्शन को इन्होंने प्रगतिवाद से लिया। छायावाद की सीमाएं लांघ ली, प्रगतिवाद से मार्क्सवादी दर्शन जिसमें वो समाज में समता की स्थापना करना चाहते थे वो लिया, प्रयोगवाद के अधिकांश हथियार संभाले यानी अभिव्यक्ति कौशल, फैंटेसी शिल्प, प्रतीकात्मकता, ये सब कुछ, और नए नए प्रयोग करने का जो सामर्थ्य और एक आधुनिक दृष्टि जो प्रयोगवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, उन सब को लेकर उन्होंने काव्य सृजन शुरू किया। और इसका अगला बिंदु क्या है? स्वतंत्रता महसूस की, यानी बंधन मुक्त होकर सभी प्रकार की रूढ़ियों को से ऊपर उठ करके काव्य सृजन शुरू किया स्वतंत्र कवि के रूप में। अब वो स्वतंत्र कवि होने का अर्थ क्या है? यहाँ शमशेर स्पष्ट करते हैं कि जो भी वाद उस समय प्रचलित थे कविताओं में उन सब से मुक्त थे मुक्तिबोध। दलबंदी से,
जितने भी राजनीतिक दल थे उनसे मुक्त थे, धार्मिक संप्रदाय थे उनसे मुक्त थे, उन सब से ऊपर उठकर निराला ने जिस परंपरा की शुरुआत साहित्य जगत में की थी, साफ सुथरी उन्मुक्त अभिव्यक्ति की, वही उसको मानवतावादी दृष्टिकोण को, उसी मानवतावादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने काव्य सृजन किया। तो इस पूरे के पूरे वक्तव्य से ये स्पष्ट होता है कि छायावादी प्रवृत्तियों का अभाव है मुक्तिबोध के काव्य में, मार्क्सवादी दर्शन यानी सामाजिक समता की स्थापना का प्रभाव है, प्रयोगवाद की शिल्पगत विशेषताएं, आधुनिक दृष्टि उनके पास है, उसके बाद वे सभी प्रकार के वादों, पार्टियों आदि के बंधन से मुक्त हैं और मानवतावादी दृष्टिकोण के धनी हैं। तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं जो मुक्तिबोध के काव्य में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। आगे चलते हैं। मुक्तिबोध की कुछ लंबी कविताएं आधुनिक हिंदी काव्य की विशिष्ट देन है, जिनमें अंधेरे में प्रमुख है जो इस संग्रह में संकलित है। ये कथन कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा है, तो इस कथन को आप अलग से कंठस्थ कर लेंगे। यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का, स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। ये शमशेर का कथन है। अब इस कथन को समझ लीजिए। इस कथन के अनुसार शमशेर बहादुर सिंह ये कहना चाहते हैं कि अंधेरे में कविता में जो कथ्य मूल कथ्य प्रस्तुत किया गया है कवि के द्वारा, वो आधुनिक जन इतिहास का, जन इतिहास यानी आम आदमी के जीवन के इतिहास का, आजादी से पहले क्या रूप था और आजादी के बाद क्या रूप था, उसका सशक्त, प्रभावशाली और जलता हुआ दस्तावेज प्रस्तुत करती है, दृश्य प्रस्तुत करती है अंधेरे में कविता। दहकता यानी जलता हुआ, यानी तपिश से युक्त, तपिश को अभिव्यक्ति देने वाला, संघर्ष की आग को अभिव्यक्ति देने वाला। इस्पाती यानी लोहे के समान कठोर दस्तावेज, आप सभी जानते हैं। तो दहकता इस्पाती दस्तावेज किसने कहा है? शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है। आगे भी लिखते हैं, इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। और दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता जो वे बताते हैं, वो कहते हैं कि इसमें व्यक्ति और जन का एकीकरण है। इन दोनों शब्दों को, अंधेरे में कविता को समझने से पहले इन दोनों शब्दों को जानना जरूरी है दोस्तों। व्यक्ति का अर्थ है हर एक व्यक्ति, यानी मैं एक व्यक्ति हूँ, आप सब अलग अलग एक एक व्यक्ति हैं, तो ये व्यक्ति है। लेकिन जब वो व्यक्ति समाज के आम आदमी से जुड़ता है तो वो जन बन जाता है। यानी व्यक्ति और जन का एकीकरण, यानी व्यक्ति का अपने अहम भाव को, अपने अस्तित्व को पूरी तरह से समाज के आम आदमी के साथ विलीन कर देना, इस विलय की प्रक्रिया का अर्थ है व्यक्ति और जन का एकीकरण। और इस प्रक्रिया का परिणाम, इस एकीकरण का परिणाम क्या होगा? इस एकीकरण का परिणाम होगा कि प्रत्येक व्यक्ति आम आदमी की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर उसे अपने भीतर महसूस करेगा। और जब संवेदना के स्तर इतने अधिक विकसित हो जाएंगे, तब संभवतः वे पीड़ाएं, वे विकृतियां, वे विसंगतियां समाज में रहेंगी ही नहीं, ऐसा मुक्तिबोध मानते थे। इसलिए उन्होंने इस कविता के माध्यम से व्यक्ति और जन के एकीकरण की बात को अभिव्यक्त किया है। आगे चले। देश की धरती, हवा, आकाश, देश की सच्ची मुक्ति आकांक्षी नस नस इसमें फड़क रही है, और भावनाओं के अनेक गुम्फित स्तरों पर। यानी शमशेर कहते हैं कि देश का, हमारा जो भी परिवेश है, इन सब शब्दों के प्रयोग अर्थ है हमारे देश का जो परिवेश है मुक्ति आकांक्षी, यानी उसकी विकृतियों से मुक्ति की आकांक्षा इस कविता के रोम रोम में, एक एक शब्द में विद्यमान है। और ये अभिव्यक्ति केवल एक स्तर पर नहीं हुई, बल्कि इस कविता में अनेक स्तरों पर इस अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया है कवि मुक्तिबोध ने। अगला बिंदु, डॉक्टर प्रभाकर माचवे का कहना है कि यह गोवर्निका इनवर्स है। गोवर्निका इनवर्स, इसके विषय में मैं भी आपको बताऊंगी। इसके बहुत से अंश पिकासो के विश्व प्रसिद्ध चित्र जैसा ही प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, ये गोवर्निका जो है, ये स्पेन का एक शहर है। पहली बात। दूसरी बात, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यानी 1937 में नाजीवाद और फासीवाद, इटली में फासीवाद और जर्मनी में जब नाजीवाद का प्रबल आतंक पूरे विश्व में व्याप्त हो रहा था, उस समय इस शहर पर बमबारी की गई नाजीवादी और फासीवादी ताकतों के द्वारा। और उस समय जो हिंसा का नग्न दृश्य विश्व प्रसिद्ध चित्रकार पिकासो,
जो स्पेन के ही चित्रकार थे, लेकिन उस समय वे पेरिस में रहा करते थे, तो पिकासो ने एक चित्र बनाया और उस चित्र का नाम ही है गवर्निका। लेकिन प्रभाकर माचवे का कहना है कि वो पिकासो का चित्र गवर्निका जिस तरह का प्रभाव डालता है, उसी तरह का प्रभाव मुक्तिबोध की ये कविता डालती है। वर्स का मतलब होता है काव्य, छंद, यानी ऐसा लगता है वहां चित्रों के माध्यम से गवर्निका प्रस्तुत किया गया है, लेकिन यहां पर कविता के माध्यम से, छंदों के माध्यम से, लय के माध्यम से इसकी प्रस्तुति की गई है। तो किसने इसे गवर्निका इन वर्स कहा है? डॉक्टर प्रभाकर माचवे ने इसे कहा है। और इसमें एक और खास बात है कि ये एक युद्ध विरोधी चित्र है। जो गवर्निका है वो एक युद्ध विरोधी, हिंसा विरोधी चित्र है, जैसा कि मुक्तिबोध की इस अंधेरे में कविता से भी अभिव्यक्त होता है। बहुत सारे दृश्य उसमें, अलग अलग चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें एक मरा हुआ बच्चा है, एक चीखती हुई औरत है, एक शव है सैनिक का जिसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं, एक बैल की आकृति है और एक घोड़ा है जिसने भयंकर रूप धारण कर रखा। और ऐसे ही न जाने कितने दृश्य उस एक चित्र के अंदर समाहित हैं, जो कि स्पेन के म्यूजियम में आज तक सुरक्षित है। तो उससे तुलना की गई है, क्योंकि जिस तरह से विविध चित्रों के संयोजन से पिकासो ने युद्ध विरोधी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की कोशिश की, प्रभाकर माचवे मानते हैं कि उसी प्रकार अंधेरे में कविता में मुक्तिबोध ने अलग अलग समाज की विकृतियों के बिंब प्रस्तुत कर हिंसा विरोधी वातावरण तैयार करने की कोशिश की। आगे चलें। अंधेरे में कविता की प्रेरक पृष्ठभूमि क्या रही, क्यों लिखी आखिर मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता, इसके विषय में भी विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे अधिक विद्वान जो मानते हैं, वो मानते हैं एम्प्रेस मिल का गोलीकांड इसके मूल में रहा। एम्प्रेस मिल एक कपड़ा मिल थी दोस्तों, जहां पर की सूत धागा बनता था, और ये नागपुर में स्थित थी। और वहां पर संभवतः, ये पूरी जानकारी मुझे भी उपलब्ध नहीं हो सकी कि क्यों उस समय गोलीकांड हुआ था, संभवतः वर्ग संघर्ष के कारण गोलीकांड हुआ होगा, अंदाज है मेरा, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये निश्चित है कि एम्प्रेस मिल में गोलीकांड हुआ था। तो उस गोलीकांड के दृश्य से प्रभावित होकर, उसमें जो हिंसा की गई, जो उसमें जितने लोग घायल हुए, उनकी पीड़ा को महसूस करते हुए कवि ने ये कविता लिखी, अधिकांश विद्वानों का ये मत है। विष्णु चंद्र शर्मा भी एम्प्रेस मिल के गोलीकांड को ही मुक्तिबोध की अंधेरे में की पृष्ठभूमि में विद्यमान कविता मानते हैं। वे लिखते हैं कि मुक्तिबोध की आत्मकथा में इस गोलीकांड के अनुभवों की चर्चा है। मुक्तिबोध ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, एक साहित्य की डायरी, उसमें भी उन्होंने इन अनुभवों की चर्चा की है। उनका अनुमान है कि उक्त गोलीकांड के अनुभवों का उपयोग उन्होंने कुछ दिनों बाद अंधेरे में कविता में किया होगा। यानी इस गोलीकांड के जो जो दृश्य मुक्तिबोध ने देखे, पढ़े और सुने, उनके आधार पर उन्होंने अंधेरे में हिंसा के बिंब, हिंसा के दृश्य प्रस्तुत किए, ऐसा मानते हैं विष्णु चंद्र शर्मा। आगे चले। शमशेर बहादुर ने एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से चांद का मुंह टेढ़ा है कि अपने वक्तव्य में लिखा है, एम्प्रेस मिल के मजदूरों पर जब गोली चली तो रिपोर्टर की हैसियत से वे घटनास्थल पर मौजूद थे। किसकी बात की जा रही है? मुक्तिबोध की बात की जा रही है, क्योंकि मुक्तिबोध व्यक्ति से जन की यात्रा करने में संलग्न थे, संघर्षरत थे। तो जब कभी भी कहीं किसी शोषण होता था, कहीं हिंसा होती थी, अक्सर वे वहां रिपोर्टर की हैसियत से मौजूद हुआ करते थे। तो शमशेर बहादुर सिंह ने उसका जिक्र किया है एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से अपने वक्तव्य में। उन्होंने लिखा है कि जब एम्प्रेस मिल में मजदूरों पर गोली चली तो रिपोर्टर की हैसियत से वे, यानी मुक्तिबोध, घटनास्थल पर मौजूद थे। यानी जो कुछ भी वहां घटित हुआ, जितने मजदूर मारे गए, घायल हुए, क्षत विक्षत हुए, उन सारे दृश्यों को स्वयं मुक्तिबोध ने अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने सिरों का फूटना, खून का बहना अपनी आंखों से देखा। अंधेरे में शीर्षक उनकी सशक्त और मार्मिक कविता उनके नागपुर जीवन के बहुत सारे संदर्भ अपने में समेटे हुए है। यानी शमशेर बहादुर सिंह भी ये मानते हैं कि अंधेरे में कविता की मूल प्रेरक भूमि है, वो है एम्प्रेस मिल का गोलीकांड। हरिशंकर परसाई इस विषय में क्या लिखते हैं, देखते हैं। हरिशंकर परसाई ने अपने दो संस्मरणों में अंधेरे में कविता का संबंध मुक्तिबोध रचित भारत इतिहास और संस्कृति पुस्तक का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित होना बताया है।
ऐसा माना जाता है दोस्तों कि मुक्तिबोध ने अपने जीवन काल में भारत इतिहास और संस्कृति नामक पुस्तक लिखी थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसे बेबाक वर्णन उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए जो सरकार को मंजूर नहीं थे, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया। और जब उस पुस्तक को प्रतिबंधित किया तो ये मुक्तिबोध के लिए बहुत ही चोट पहुंचा देने वाली स्थिति थी, क्योंकि किसी भी लेखक की अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करना वे स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध मानते थे। उसी का जिक्र यहाँ हरिशंकर परसाई ने अपने संस्मरणों में किया है। आगे वे लिखते हैं, यह घटना 1962 में घटी, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने कब इस किताब को, इस पुस्तक को प्रतिबंधित किया, 1962 में प्रतिबंधित किया। मुक्तिबोध अपनी पुस्तक के जब्तीकरण को लेखक के विचारों की स्वतंत्रता और लेखन स्वतंत्रता के लिए खौफनाक मानते थे। इस घटना से मुक्तिबोध को बहुत गहरा सदमा पहुंचा और वे कई दिनों तक खोए खोए रहे। हरिशंकर परसाई, जो उनके बहुत निकटस्थ मित्र हुआ करते थे, वे इस विषय में ये लिखते हैं। स्पष्टतः इस घटना ने उन्हें बहुत आंदोलित किया और संभव है कि यह घटना अंधेरे में कविता लिखने के लिए एक सशक्त प्रेरक तत्व साबित हुई हो। यानी अधिकांश विद्वान एम्प्रेस मिल के गोलीकांड को अंधेरे में की मूल प्रेरक शक्ति मानते हैं, और हरिशंकर परसाई का मानना है कि उनकी पुस्तक का जब्त किया जाना सरकार के द्वारा इसकी मूल प्रेरक शक्ति में से एक है। यानी बहुत सारे कारण हुए, लेकिन उनमें से एक कारण इस पुस्तक का जब्त होना भी था। अब अगले बिंदु पर आते हैं, कविता के मूल कथ्य के विषय में विद्वानों के विचार। यानी ये कविता से आखिर मुक्तिबोध स्पष्ट क्या करना चाहते हैं, उसके विषय में भी विद्वानों ने बहुत अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, और ये सारे बिंदु आपको ध्यान में रखने होंगे दोस्तों, क्योंकि इन पर प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहला मत शमशेर बहादुर सिंह का है। वे मानते हैं कि ये व्यक्ति और जन के एकीकरण की कविता है। व्यक्ति और जन के एकीकरण को मैं भी आपसे स्पष्ट कर चुकी हूँ कि एक व्यक्ति जब तक समाज से अलग रहता है तब तक वह व्यक्ति है, लेकिन जैसे ही आम आदमी के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करता है, उनकी पीड़ाओं को अपने भीतर महसूस करता है, तो वो जन का रूप धारण कर लेता है, और यही प्रक्रिया व्यक्ति और जन के एकीकरण की प्रक्रिया है। तो शमशेर बहादुर व्यक्ति और जन के एकीकरण की कविता मानते हैं अंधेरे में को। आगे चले, डॉक्टर नामवर सिंह इसे अस्मिता की खोज की कविता कहते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह का कहना है कि यह अस्मिता की खोज की कविता है। अस्मिता क्या है? अस्मिता है व्यक्ति की अपने व्यक्तित्व के प्रति सजगता, जागरूकता, कि आखिर मेरा अस्तित्व का मूल्य क्या है, आखिर मेरा अस्तित्व क्या है, मैं वास्तव में किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। जब इसके प्रति सजग होता है, अपने स्वयं के व्यक्तित्व के प्रति सजग होता है, उसकी तलाश में निकल पड़ता है कोई भी साहित्यकार, कोई भी बुद्धिजीवी, तो उसे अस्मिता खोज करना कहते हैं। तो नामवर सिंह कहते हैं कि ये मुक्तिबोध के स्वयं की अपने व्यक्तित्व की तलाश की अभिव्यक्ति की कविता है, जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। नामवर सिंह का कहना है कि आज के मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण समस्या ये है कि वो अपने व्यक्तित्व के, अपने उसके भीतर बैठा हुआ व्यक्ति आखिर किस प्रकार का है, वो क्या चाहता है, उससे बेखबर है, अपने मूल व्यक्तित्व को पहचानता ही नहीं है, और यही कारण है कि वो कुंठाग्रस्त होता है, विषमताओं से जूझता है और तनावग्रस्त रहता है। तो नामवर सिंह के अनुसार ये अस्मिता की खोज की कविता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि अंधेरे में की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग के साथ कैसे तादात्म्य स्थापित करे। देखिए, शब्द बदल गए हैं, लेकिन बात कौन सी है, व्यक्ति और जन के एकीकरण की ही बात है। मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी व्यक्ति यानी व्यक्ति, और सर्वहारा वर्ग यानी आम आदमी, तो जब तादात्म्य स्थापित होगा तो वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहेगा बल्कि जन बन जाएगा। यानी व्यक्ति और जन के एकीकरण की कविता, यहाँ रामविलास शर्मा के अनुसार भी बात वही निकल कर आती है। यही संघर्ष इस कविता में अभिव्यक्त हुआ है। शिव कुमार मिश्र लिखते हैं कि इसमें एक ओर अपने युग का इतिहास अपने बाहरी द्वंद्वों को लिए हुए मौजूद है, दूसरी ओर आत्म साक्षात्कार तथा आत्म विश्लेषण के स्तर पर एक कवि के अंतः व्यक्तित्व की कश्मकश पूरी सजीवता के साथ सामने आई है। यानी शिव कुमार मिश्र कहते हैं कि इसमें दो तरफा संघर्ष कवि का अभिव्यक्त हुआ है, एक आंतरिक संघर्ष, जो आंतरिक मानसिक स्तर पर जो संघर्ष झेला, जो द्वंद्व, जो पीड़ा मुक्तिबोध ने जीवन भर झेली, उसकी अभिव्यक्ति है, और दूसरी ओर परिवेश में जो संघर्ष, जो विषम स्थितियां, जो तनाव चल रहा था, उसकी अभिव्यक्ति है। यानी ये कविता
दो स्तरों पर द्वंद्व को, मनुष्य के हृदय में चल रहे द्वंद्व को अभिव्यक्त करती है, बाहरी परिवेश के स्तर पर और आंतरिक स्तर पर। प्रत्येक मत के अनुसार इस कविता का मूल तथ्य व्यक्तित्व का रूपांतरण ही है। व्यक्तित्व का रूपांतरण यानी व्यक्ति का जन्म में परिवर्तित होना। मुक्तिबोध का आत्मसंघर्ष भी यही रहा। वे निरंतर इस बात के लिए संघर्षशील रहे कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने अहंकार के दायरे से बाहर निकलकर अपने वास्तविक चेतना के स्तर पर समाज के आम आदमी के साथ तादात्म्य स्थापित करे, एकता स्थापित करे और उसके सुख दुख, उसकी पीड़ाओं को अपने भीतर महसूस करे। क्योंकि ऐसा करने पर ही मुक्तिबोध मानते थे कि समाज में जो भेदभाव है, जो पूंजीपति अमीर और गरीब का जो अंतर है, वो समाप्त हो जाएगा और एक सम समाज की स्थापना हो सकेगी, जो मुक्तिबोध का स्वप्न था। अंधेरे में कविता के मूल तथ्य पर बात करते हैं। ये तो हुई विभिन्न मतों की बात, लेकिन क्रमशः किन किन बिंदुओं की चर्चा यहाँ पर की गई है उसे हम यहाँ संक्षेप में पढ़ेंगे, ताकि हम जब मूल कविता को पढ़ें दोस्तों तो आपको उसके तथ्य को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला बिंदु अंधेरे में का क्या है? अंधेरे में का सबसे पहला बिंदु है कि ये आत्मान्वेषण और उससे संबंधित आत्म साक्षात्कार की कविता है। यानी इसमें आत्मान्वेषण, आत्मान्वेषण का अर्थ क्या है? आत्मान्वेषण का अर्थ है अपने मूल व्यक्तित्व की तलाश करना। यानी व्यक्ति, क्योंकि कवि क्योंकि एक बुद्धिजीवी होता है, चिंतनशील होता है, संवेदनशील होता है, तो सबसे पहले वो अपने भीतर झांकता है और उसके अंदर का की जो चेतना है, उसके अंदर बैठा हुआ जो वास्तविक मूल रूप है उसके व्यक्तित्व का, उसको जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसका स्वरूप कैसा है। और जब वो उस अपने आत्म का अन्वेषण कर लेता है, तब वो उसे अपने सामने देखकर और किस प्रकार का अनुभव करता है, उस प्रक्रिया को यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। यानी पहले अपनी खोज करना, फिर खोज करके जो भी कुछ मिले, जो भी अपने व्यक्तित्व का रूप सामने आए, उसको अपनी खुली आंखों से देखना, उसके पक्ष और विपक्ष पर, उसके स्वरूप पर, उसके मूल आकार पर चिंतन करना, ये आत्म साक्षात्कार है। और आत्म साक्षात्कार करने का मतलब है कि व्यक्ति अपने स्व के भाव से बिल्कुल मुक्त हो जाता है और निर्लिप्त भाव से अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपने गुण और अपने दोषों को देखता है, उनका मूल्यांकन करता है। इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है आधुनिक काव्य में, वो है आत्मालोचन, जिसका जिक्र मुझे याद आ रहा है कि हम एक सत्र में कर चुके हैं। अगला बिंदु, कवि का सजग अन्वेषक। यानी क्योंकि आत्मान्वेषण है तो खोज कौन कर रहा है? कवि कर रहा है। किसकी खोज कर रहा है कवि? स्वयं अपने वास्तविक रूप की खोज कर रहा है। तो कवि का सजग अन्वेषक रात के अंधेरे में, घनी लूटपाट के दृश्यों में, ये सारे बिंदु वो हैं दोस्तों जो कविता में, अंधेरे में कविता में आए हैं, चित्रित किए गए हैं। तो रात के अंधेरे में वो अन्वेषक कवि घूमता है, लूटपाट हो रही है चारों ओर, उनके बीच भी वो घूमता है अपने असली व्यक्तित्व की तलाश में। जिंदगी विवश है फिर भी घूमता है, रात में सन्नाटा है और इतना सन्नाटा है कि छोटी सी सीटी की आवाज सुनकर भी उसकी रूह कांप जाती है। उस सन्नाटे में भी वो रुक है, यानी उसकी आत्मान्वेषण की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। आगे चलें। भले ही पैरों में कील घुस गई हो, पसलियां चटक रही हों, तलवे आग की गर्मी से तप रहे हों, कंधे बोझ से दब गए हों, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, लेकिन मन इसे नकारता हुआ अपने सहचर के साथ जागरूक है। यानी इन सारे बिंदुओं की चर्चा कवि ने कविता में की है। इसका प्रतीकार्थ यही है, इसका सांकेतिक अर्थ यही है दोस्तों, कि कितना भी संघर्ष जीवन में आए, लेकिन जो कवि का सजग आत्मान्वेषक है, वो अपने व्यक्तित्व की तलाश सारी समस्याओं को पार कर, सारे संघर्षों को पार कर रुकता नहीं है, अपनी तलाश को निरंतर विषम विषम स्थितियों में भी जारी रखता है। अंधेरे में कविता में जो अभिधार्थ है, अभिधार्थ देखिए ये तो सांकेतिक अर्थ हो गया, लेकिन अभिधार्थ जो सामान्य अर्थ है वो क्या है? वह हमारे देश की स्थिति का, आजादी से पहले और बाद का पूरा नक्शा है। जैसा कि शमशेर बहादुर सिंह ने भी कहा कि स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद के स्थितियों का दहकता इस्पाती दस्तावेज है अंधेरे में कविता। तो वही मूल बात है, वही इसका सीधा सरल अर्थ है जो इसमें कहा गया है, इस कविता के माध्यम से कवि ने। देश के पहले के संघर्ष क्या थे और देश के बाद के संघर्ष क्या हुए, उन सब का कच्चा चिट्ठा यहाँ प्रस्तुत किया है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति प्रतीकात्मक है,
सीधे सरल शब्दों में उन्होंने अपनी बात नहीं की, फैंटेसी शिल्प के माध्यम से नाटकीयता के साथ उन्होंने अपने कथ्य को, अपने उद्देश्य को, अपने मंतव्य को, अपनी अनुभूति को बहुत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। आर्थिक सामरस्य के लिए, आर्थिक सामरस्य यानी जहां पूंजीपति और मजदूर के बीच में जो आर्थिक विषमता है वो समाप्त हो जाए, यानी समानता, समान समाज की स्थापना हो, भेदभाव, ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो समाप्त हो, जो कि मुक्तिबोध का सपना था। आर्थिक सामरस्य के लिए जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी वह इस अंधेरे में आकर मिल गई है। कौन से अंधेरे में? स्वतंत्रता के बाद जो भी आजाद तो हम हो गए, लेकिन फिर भी वो विकृतियां, वो विसंगतियां वैसी की वैसी हैं, वही निराशा, वही संघर्ष, वही तपिश, वो सारी की सारी अग्नि, वही भीषण जीवन संकट से भरा हुआ, वो सारा अंधकार यथावत है। तो वो जो स्वप्न, जिस आर्थिक समता की स्थापना के लिए, आजादी की लड़ाई जिस सपने को लेकर के लिए की गई थी, वो सब अंधकार में डूब गया है। यानी वो जीवन मूल्य जिनका ध्यान में रखकर, जिनको दृष्टि में रखकर आजादी की लड़ाई लड़ी गई, वे मूल्य कहीं भी समाज में, परिवेश में दिखाई नहीं देते। जिन महापुरुषों ने अपनी जान पर खेलकर आजादी दिलाई, वे ही स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पंगु और नपुंसक बनकर अंधेरे की स्याही में डूब गए हैं। इस कविता में दोस्तों दो महापुरुषों की खास तौर से कवि चर्चा करते हैं, एक है महात्मा गांधी और दूसरे हैं बाल गंगाधर तिलक, जिनको उन्होंने पंगु और नपुंसक के रूप में, यानी शक्तिहीन के रूप में स्थापित किया है। असमर्थ, पंगु शब्द असमर्थता का द्योतक है और नपुंसक शक्तिहीनता का। और इन दो महापुरुषों को पंगु और नपुंसक के रूप में प्रस्तुत करने का अर्थ क्या है कि जिन जीवन मूल्यों को, की जिन आदर्शों की स्थापना करने के लिए जीवन भर लड़ते रहे दो महापुरुष, वे जीवन मूल्य आज समाज में कहीं दिखाई नहीं देते। मृतक दल की शोभा यात्रा, यहाँ पर एक शोभा यात्रा का, एक जुलूस जैसा वर्णन है जिसे कवि ने मृतक दल की शोभा यात्रा कहा है। और वास्तव में ये शोभा यात्रा देश के, समाज के दोहरे चेहरे को अभिव्यक्त करती है। दिन के उजाले में जो व्यक्ति शालीन हैं, प्रतिष्ठित हैं, वे रात के अंधकार में कितने बेनकाब हो जाते हैं अपने असली खौफनाक इरादों को लेकर के, ये बात यहाँ अभिव्यक्त की गई है। और एक तरह से ये जो शोभा यात्रा का संदर्भ है, ये न केवल उस समय के परिवेश की जीती जागती तस्वीर प्रस्तुत करता है, बल्कि हमारे संस्कृति की पुनर्परख है। यानी कवि इस शोभा यात्रा के माध्यम से हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की जांच पड़ताल करते हैं कि कितने शेष हैं, यानी उनकी, उन्हें फिर निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि सांस्कृतिक मूल्य जो हमारी संस्कृति की धरोहर थे, जिन पर हमारी संस्कृति टिकी हुई थी, वो कहीं उन्हें दिखाई नहीं देते। इस कविता का संकेतित संघर्ष दोनों स्तरों पर घटित होता है। यानी इसमें जिस संघर्ष की चर्चा की है कवि ने, वो दो स्तरों पर चलता है, एक तो कवि के मन में और दूसरा सामाजिक भूमिका में। एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते कवि संघर्ष झेलता है, समाज के विसंगतियों के, विकृतियों के तनाव झेलता है, सचमुच में अपने जीवन में झेलता है। और जब वो दूसरों को पीड़ित देखता है तो वही तनाव वो अपने हृदय में भी झेलता है। तो दो स्तरों पर यहाँ संघर्ष चित्रित हुआ है, एक कवि के मन में और दूसरा परिवेश में। इसमें मध्यम वर्ग के उस आदमी के आत्मसंघर्ष को भी शब्दबद्ध किया गया है, जो एक ओर तो सामाजिक अव्यवस्था और विकृतियों के विरुद्ध जिहाद छेड़ता है, यानी उस बुद्धिजीवी वर्ग को भी मुक्तिबोध ने नहीं छोड़ा जिसका प्रतिनिधित्व वे स्वयं करते थे। बुद्धिजीवी वर्ग की विडंबना क्या है कि वो बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन अपने सुविधा भोगी जीवन को त्याग कर उन बड़े बड़े जीवन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने को तत्पर नहीं है। उस द्वंद्व को भी यहाँ मुक्तिबोध ने प्रस्तुत किया है। तो इसमें मध्यम वर्ग के उस आदमी के आत्मसंघर्ष को भी शब्दबद्ध किया गया है, जो एक ओर तो सामाजिक अव्यवस्था और विकृतियों के विरुद्ध जिहाद छेड़ता है, यानी धार्मिक संघर्ष छेड़ता है, और दूसरी ओर अपनी सुविधाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। असल में वह एक साथी रक्तालोक स्नात पुरुष, एक चर्चा हुई है यहाँ पर रक्तालोक स्नात पुरुष। जो रक्तालोक स्नात पुरुष है, रक्त यानी लाल, आलोक यानी प्रकाश, स्नात मतलब नहाया हुआ, पुरुष मतलब आदमी, यानी एक ऐसा व्यक्ति
मुक्ति बोध को दिखता है, क्योंकि ये फैंटेसी शिल्प है, तो वे कल्पना करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो लाल रंग के प्रकाश में नहाया हुआ है, जहां लाल, यहां लाल रंग का प्रकाश मुक्ति बोध की क्रांति धर्मी चेतना का प्रतीक है। यानी क्रांति चेतस व्यक्ति हैं मुक्तिबोध, इसलिए वे रक्तालोक स्नात पुरुष के माध्यम से इस फैंटेसी को गढ़कर इसके माध्यम से वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग जो है उसका संघर्ष क्या है कि एक ओर तो वो चाहता है कि वो रक्तालोक स्नात पुरुष बन जाए, यानी क्रांति का सूत्रधार बन जाए, क्रांति का करने का संकल्प करे, क्रांति करे, बदलाव लाए समाज में, लेकिन दूसरी ओर वो डरता भी है, अपनी कमजोरियों से जुड़े रहना चाहता है, यानी उसमें इतना साहस नहीं है कि वो अपनी जो मूलभूत व्यक्तित्व है, जो चेतना है क्रांति धर्मी, उसको जीवंत रूप प्रदान कर सके, सचमुच उस क्रांति के लिए संघर्ष करने को तत्पर हो। इस द्वंद्व को भी मुक्तिबोध ने इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। आदमी की एक साथ दो जगह पर हाजिरी देने की ये कोशिश उसे द्वंद्व की स्थिति में ले आती है। संघर्ष कब होता है? जब हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं, उसके बीच में जो द्वंद्व होता है। जबकि हम हमारे स्वयं के जीवन में भी कई बार ऐसा होता होगा, आपके जीवन में भी कई बार ऐसा होता होगा कि आप कुछ करना चाहते होंगे लेकिन कर नहीं पाते होंगे, तो वो जो मानसिक संघर्ष है कि एक ही व्यक्ति दो जगहों पर एक साथ उपस्थित रहना चाहता है, अपनी सुविधाएं भी छोड़ना नहीं चाहता, क्रांति चेतस व्यक्ति भी बने रहना चाहता है, तो वो जो द्वंद्व है, वो जो संघर्ष है, उसमें न तो वो अपनी सुविधाओं को पूरी तरह से भोग पाता है और न वो क्रांति का सूत्रपात ही कर पाता है। तो ये संघर्ष भी यहाँ अभिव्यक्त हुआ है। मन की यह दुविधा सहज भी है और महत्वपूर्ण भी। आगे चले, अंधेरे में कविता में दो रक्तालोक स्नात पुरुष है, यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो रक्तालोक स्नात पुरुषों की चर्चा की है मुक्तिबोध ने। पहला वह जो जिंदगी के अंधेरे कमरों में चक्कर लगा रहा है, जिससे कविता की शुरुआत होती है। दूसरा वह जो बाहर तालाब की लहरों में अपना चेहरा देखता हुआ अंदर आने के लिए सांकल बजा रहा है। और ये जो रक्तालोक स्नात पुरुष हैं, ये हैं, एक तो है मैं और दूसरा है वह, यानी व्यक्ति और जन के एकीकरण की जो समस्या है उसको इन दो पुरुषों के माध्यम से मुक्तिबोध ने अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। सांकल बजाने का मतलब क्या है? दरवाजे पर कौन दरवाजा खटखटाता है? जो व्यक्ति अंदर आना चाहता है। अंदर आने का मतलब क्या है? हमसे मिलने के लिए आना चाहता है। और हम कौन है? हम है हमारी वो मूलभूत चेतना, जो हमारे वास्तविक गुण है, हमारा हमारे व्यक्तित्व का वास्तविक जो रूप है वो हम है। तो व्यक्ति सांकल जो बजाना चाहता है वो है जन, बाहरी परिवेश का जन, और जो भीतर जिंदगी के अंधेरों में चक्कर लगा रहा है वो है व्यक्ति का मैं। तो मैं से वह तक की यात्रा का जो संघर्ष है वो इन रक्तालोक पुरुषों के माध्यम से कवि ने चित्रित किया है। मुक्तिबोध ने इस रक्तालोक स्नात पुरुष के प्रतीक के माध्यम से सामाजिकता और कविता को अभेद्य रूप में संगठित कर दिया है। यानी इतने सुंदर तरीके से समाज की स्थितियों, विषम स्थितियों को काव्य में प्रस्तुत किया है कि वहां कब समाज का चित्र आ जाता है, कब कविता अपने स्वर में अभिव्यक्ति करने लगती है, इस अंतर का पता ही नहीं चलता। जो संपूर्ण कविता में आद्यंत यानी प्रारंभ से लेकर अंत तक संपूर्ण कविता में ये सुंदरता, ये सौंदर्य प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अत्यंत प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्त किया है। संकेत है कि मनुष्य की पूर्ण संभावनाएं, अब क्या कहना चाहते हैं मुक्तिबोध? वो मुक्तिबोध ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य की सभी पूर्ण संभावनाएं, जो सामर्थ्य, जो क्षमता, जो विशेषताएं, जो गुण लेकर प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर पैदा हुआ है, वो तभी प्रकट होंगी जब कविता सामाजिकता को ग्रहण कर ले। यानी कविता निजी मन की अभिव्यक्ति मात्र न बने बल्कि जन जन की पीड़ा की अभिव्यक्ति बनकर के सामने आए और समाज कविता या कला को अंगीकार कर ले। तो एक ओर कविता समाज से जुड़े, दूसरी ओर समाज भी कविता से जुड़े, तब ये संभव हो पाएगा। अगला बिंदु, कविता में वर्णित अंधेरा। अब कविता का शीर्षक ही है अंधेरे में, लेकिन आखिर ये अंधकार है क्या, इसको भी हमें समझ लेना चाहिए। तो ये तीन संकेत देता है मोटे तौर पर। पहला संकेत है सामाजिक अव्यवस्था, यानी पहला जो अंधेरे का रूप है, प्रतीक है, वो है समाज में व्याप्त जितनी भी विसंगतियां हैं, जो भी अव्यवस्थाएं हैं, जो भी विषमताएं हैं, उनको कवि अंधेरे के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दूसरा संकेत क्या है? कवि के मानस पर छाई किन्हीं अमूर्त छायाओं से जुड़ा हुआ संकेत है। यानी कवि के मन पर बहुत सारे ऐसे विचार छाए हुए हैं जिनके कारण वो अपने मूल रूप के, मूल व्यक्तित्व के अनुरूप
गुणों का पालन करके कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि कवि एक जगह इस कविता में लिखते हैं कि कमजोरियों से लगाव है मुझे, यानी वो अपनी उन कमजोरियों के साथ जीते रहना चाहते हैं। दूसरा अंधकार इसका है, क्योंकि जब तक ये अंधकार दूर नहीं होगा, जब तक ये अंधकार दूर नहीं होगा, तब तक अंधेरे से उजाले में आने की प्रक्रिया संभव हो ही नहीं सकेगी। अब तीसरा बिंदु देखते हैं। तीसरा संकेत व्यक्तित्व की परतों पर बिछे स्याह कागज का है, जिससे जलाए बिना व्यक्तित्व का शोधन नहीं होगा। अब ये स्याह कागज क्या है? स्याह कागज है कि जब हम विसंगतियों से युक्त परिवेश में रहते हैं दोस्तों, तो जाने अनजाने वे विकृतियां हमारे व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती हैं। उनमें से कुछ एक बुराइयां हमारे व्यक्तित्व का अंग बन जाती हैं। तो वो जो बुराइयों की परत समाज से, परिवेश से, जाने अनजाने में हमने ग्रहण कर ली है, उस स्याह कागज को, उन विकृतियों को जब तक हम जलाएंगे नहीं, तब तक हमारा व्यक्तित्व परिष्कृत रूप में, शुद्ध रूप में सामने नहीं आएगा। और जब तक व्यक्तित्व शुद्ध रूप में सामने नहीं आएगा, तब तक व्यक्ति व्यक्ति ही रहेगा, जन नहीं बन सकेगा। क्यों क्यों ये जरूरी है इस अंधकार का, तीनों तरह के अंधकार का दूर होना? क्योंकि व्यक्ति से बाहर निकलकर जन के साथ एकात्मकता स्थापित करनी है, तादाद में स्थापित करना है, क्योंकि तभी सामाजिक समरसता की स्थापना हो सकेगी। उपलब्ध सत्यों का विस्तार कैसे होगा? क्योंकि जब तक यह नहीं होगा, आत्मान्वेषण के दौरान, जो आत्मान्वेषण यानी व्यक्ति जब अपने व्यक्तित्व की जांच पड़ताल करता है, अपने मूलभूत गुणों की तलाश करता है, उसके दौरान वो जो कुछ जानकारी, जो कुछ सत्य अपने विषय में जानता है, वे समाज तक कैसे पहुंचेंगे? वे जो उसके अनमोल गुण हैं, अद्वितीय गुण हैं, जो समाज के लिए, परिवेश के लिए मंगलकारी सिद्ध हो सकते हैं, कल्याणकारी सिद्ध हो सकते हैं, तब जब तक ये विकृतियां रहेंगी, तब तक वे विस्तृत होकर समाज को लाभान्वित नहीं कर सकेंगे। आत्मविस्तार होने का मतलब क्या है? कि उन गुणों का समाज के लिए प्रयुक्त होना। अस्मिता का विलय कैसे होगा? अस्मिता के विलय का मतलब क्या है? अहंकार को दूर कर व्यक्ति स्वयं को भी उसी समाज का अंग मान ले, यानी व्यक्ति अपने अहंकार, अपने निजी व्यक्तित्व की स्वायत्तता को भूलकर समाज के एक अंग के रूप में स्वयं को देखे, तो उसका जो अस्तित्व है वो विलीन हो गया समष्टि में, समाज में। व्यक्ति निजता से परता और अंधेरे से प्रकाश की ओर कैसे बढ़ेगा? वह मैं से हम कैसे होगा? यही मूल है, यही मूल समस्या है मुक्ति बोध की इस कविता की, अंधेरे में की। इन सब बिंदुओं को चर्चा करने पर हम आसानी से उस कविता के मूल तथ्य को समझ पाएंगे। प्रस्तुत कविता में आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया वह और मैं के मध्य घटित होती है। दो पात्र प्रमुख रूप से सामने आते हैं। एक तो है वह जो समाज में व्याप्त रक्तालोक सात पुरुष है, दूसरा है मैं जो कवि के स्वयं के अंधकारमय हृदय में व्याप्त है, यानी उसका स्वयं का निजी व्यक्तित्व। मैं वह को पाने के लिए भटक रहा है। मैं क्या चाहता है? कि वह बन जाए, यानी जन बन जाए, व्यक्ति का जन में विलय हो जाए। वह क्या है? ये वह जो है, ये रक्तालोक स्नात पुरुष है। मैं वह से अपनी सुविधा जीवी प्रवृत्ति के कारण मिल नहीं पाता, क्योंकि वो अपने जीवन की सुविधाओं को छोड़कर क्रांति धर्मी चेतना के साथ आगे कदम बढ़ा ही नहीं पाता। इसलिए रुकावट क्या है? सुविधा जीवी प्रवृत्ति, यानी वो संस्कार रूप में वो विकृतियां जो परिवेश से जाने अनजाने में उसके व्यक्तित्व के ऊपर परत की तरह से छा गई हैं। उसे अर्थात मैं को अपनी कमजोरियों से भी लगाव है, किंतु वह रक्तालोक स्नात पुरुष को भी छोड़ना नहीं चाहता। द्वंद्व क्या है? कि वो रक्तालोक स्नात पुरुष को भी छोड़ना नहीं चाहता, अपनी सुविधाओं में भी जीना चाहता है, यानी क्रांति भी करना चाहता है, लेकिन सुविधा भोगी जीवन को भी छोड़ना नहीं चाहता, अपनी कमजोरियों को भी त्यागना नहीं चाहता। यही द्वंद्व इस कविता में अभिव्यक्त हुआ है, जो व्यक्ति के जन बनने की सबसे बड़ी रुकावट है। न छोड़ने का कारण वैसे हुए आत्म साक्षात्कार के परिणाम स्वरूप इस परिवर्तन से संबंधित है। अब वो क्यों रक्तालोक स्नात पुरुष को नहीं छोड़ना चाहता? क्योंकि जब वो देखता है उस रक्तालोक स्नात पुरुष को, तो उसे अपने व्यक्तित्व में बदलाव महसूस होता है। उसे कवि इन पंक्तियों में लिखते हैं, तो इनको देख लेंगे हम। पैरों में महसूस करता हूँ धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूँ दुनिया, यानी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के दायरे से बाहर निकलकर खुले आसमान में समाज के बीच अपने आप को जन का
एक प्रतिनिधि मान रहा है, यानी उन्हीं में से एक मान रहा है। तो पैरों में महसूस करता हूं धरती का फैलाव, यानी पूरे के पूरे परिवेश को अपने पैरों में महसूस करते हैं, यानी कि वे खुले आसमान के नीचे आ गए हैं, उनका व्यक्तित्व जन जन में व्याप्त हो गया है। धरती पे फैलाव का अर्थ ये है। हाथों से महसूस करता हूं और दुनिया, और दुनिया के विस्तार को वे अपने हाथों से महसूस करते हैं, यानी वे सक्रिय हो चुके हैं, कर्मशील हो चुके हैं। किस लिए? व्यक्ति के जन्म में विलय की ओर, यानी क्रांति के सूत्रधार करने की ओर वे आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा उन्हें कब महसूस होता है? जब वे रक्तालोक स्नात पुरुष से आत्म साक्षात्कार करते हैं। मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज, और मस्तक में उन्हें आकाश की असीमता का अनुभव होता है, लेकिन हृदय में वही तीन प्रकार का जो अंधकार, जिसकी चर्चा अभी हमने की, कौन कौन से अंधकार? वो अंधकार जो विसंगतियों का अंधकार है, वो अंधकार जो किन्हीं संस्कारों से जनित मुक्तिबोध की कमजोरियों का अंधकार है, और दूसरा जो परिवेश से विकृतियों का अंधकार उन्होंने लिया है, वो तीनों प्रकार का अंधकार उनके दिल में तड़पने लगता है। आत्मा में भीषण, और परिणाम क्या होता है? द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और कवि महसूस करते हैं कि आत्मा में भीषण सत चित वेदना जल उठी दहकी। और सत्चित यानी सात्विक प्रवृत्तियां, चैतन्य, सच्चिदानंद जो ईश्वर को कहा गया है, ऐसा कहा जाता है धर्मशास्त्रों में, हम सब पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारे भीतर जो चेतना है वो ब्रह्म का ही अंश है, ईश्वर का ही अंश है। तो वो जो चेतना है उसमें सात्विकता है, चैतन्य है, वही ईश्वर जैसा। और वेदना का अर्थ है संवेदनशीलता, और संवेदनशीलता किसके लिए? संवेदनशीलता समाज के आम आदमी के लिए। वो जल उठी, यानी व्यक्ति जो मैं है कविता में, वो जब रक्तालोक स्नात पुरुष से साक्षात्कार करते हैं तो उन्हें अपने व्यक्तित्व में बदलाव महसूस होता है, और उन्हें लगता है कि उनके अंदर जो सात्विक गुण हैं उनकी अग्नि प्रज्वलित हो उठी है, और उन्हें लगता है कि अब उन्हें क्रांति के सूत्रधार के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। इसलिए वो उस रक्तालोक स्नात पुरुष को छोड़ना नहीं चाहते। आत्म साक्षात्कार की यह प्रक्रिया कविता में प्रारंभ से अंत तक अलग अलग संदर्भों में व्यक्त होती है, जिसे हम जब कविता पढ़ेंगे दोस्तों तब उसे अच्छी तरह से समझेंगे। सच्चित वेदना के कवि मुक्तिबोध ने इस कविता में रक्तालोक स्नात पुरुष के माध्यम से अनेक गहरे संकेत दिए हैं। यह रक्तालोक स्नात पुरुष मानवीय संस्कृति के विकास हेतु संघर्षरत संस्कृति पुरुष का प्रतीक है। बदलाव चाहता है, किसका बदलाव? जो बुराइयां हैं उनसे मुक्त करके समाज को एक मानव मूल्य धर्मी समाज की स्थापना करना चाहता है, जो समरसता पर आधारित हो। यह हम सब के भीतर है, और कवि क्या संकेत करते हैं कि ये जो रक्तालोक स्नात पुरुष है ये किसी एक मुक्तिबोध के ही अंदर है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये हम सब के भीतर है और परिवेश में बाहर भी है। यानी सबके भीतर है तो यानी पर हमसे बाहर भी है और हमारे भीतर भी है। बाहर से वह हमें शक्ति देता है, सकर्मक बनाता है, और सकर्मक बनकर भीतर का व्यक्ति ही बाहर अभिव्यक्त होता है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं इस बिंदु पर, जब वो संघर्षरत रक्तालोक स्नात पुरुष का उसमें जिक्र आया है कविता में, उसमें उसके वक्ष पर कवि ने गहरे घावों की चर्चा की है, उसी को ध्यान में रखकर विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी कहते हैं वह संघर्षरत है, यानी वो रक्तालोक स्नात पुरुष जो है वो संघर्ष कर रहा है एक समरस समाज की स्थापना के लिए। तो वे लिखते हैं वह संघर्षरत है इसलिए उसकी पीठ पर नहीं वक्ष पर घाव है। जो मैदान छोड़कर भागते हैं घाव उनकी पीठ पर होते हैं, लेकिन जो संघर्ष करते हैं मैदान छोड़कर नहीं भागते, वे चोट अपने सीने पर झेलते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर अभिव्यक्त कर रहे हैं, उसी बिंदु को विश्वनाथ त्रिपाठी बता रहे हैं हमें कि क्योंकि उस रक्तालोक स्नात पुरुष के वक्ष पर घावों की चर्चा की है मुक्तिबोध ने, इसलिए स्पष्ट है कि वो संघर्षरत है। वह सकर्मक है, शक्ति का पुंज है, किंतु फटेहाल है, संघर्ष कर रहा है, क्रियाशील है, उसमें बहुत अधिक शक्ति है, लेकिन उसकी हालत बुरी है, फटेहाल है। क्यों? क्योंकि मानव मूल्य अब कहीं प्रभावशाली रूप में दिखाई देते ही नहीं, क्योंकि वह करुणा से युक्त होकर समाज के शोषित जनों का प्रतिनिधि बनता है, खुद उसे रोटी पानी का अभाव रहता है, वह साधारण जन होकर साधारण जन का साथ देता है। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत एक संस्कृत की उक्ति है, जिसका अर्थ है शिव होकर शिव की उपासना करना,
और वही स्थिति यहाँ है, जो रक्तालोक स्नात पुरुष है वो व्यक्ति के दायरे से बाहर निकलकर जन के रूप में अभिव्यक्त होता है और सामान्य जन बनकर उस जन की ही पूजा करता है, यानी उसके कल्याण के लिए ही प्रयत्न करता है। हमारे देश काल को देखते हुए यह संस्कृति पुरुष मध्य वर्ग के आदर्शवादी, दृढ़ चरित्र और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। आत्म साक्षात्कार की भूमिका पर लिखी मुक्तिबोध की यह कविता उनके सृजनशील अंतःकरण का प्रतिबिंब है, यानी जो कुछ मुक्तिबोध ने अपने जीवन में झेला वो सब यहाँ इस कविता में अभिव्यक्त हुआ है। कवि का आत्मान्वेषक बड़ी हिम्मत के साथ अनेक संघर्ष करता हुआ अपनी आत्मा की छवि का साक्षात्कार कर सका है, यानी आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को इसमें अभिव्यक्ति दी गई है। कवि यहाँ आत्मनिर्वासित होकर अस्मिता की खोज, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों ये, कवि यहाँ आत्मनिर्वासित होकर अस्मिता की खोज नहीं करता अपितु संघर्षी स्थितियों से गुजरता, अंतर्बाह्य से लड़ता हुआ अपनी अस्मिता को आत्मविस्तार देता है, स्व को पर की सीमाओं तक ले जाता है। अब ये जो अस्मिता की खोज की कविता है, उस अस्मिता की खोज करने के दो तरीके होते हैं। एक तो व्यक्ति क्या है, अपने आप को एक कटघरे में कैद कर लेता है और अपनी अस्मिता की खोज करता है, लेकिन उस खोज में उसे कुछ भी सार्थक प्राप्त नहीं होता, वो सिवाय कुंठित होने के और कुछ नहीं करता। लेकिन यहाँ मुक्तिबोध इस कविता में आत्मनिर्वासित होकर, यानी अपने आप को समाज से काट कर एक अकेले अंधेरे कमरे में बंद करके अस्मिता की खोज नहीं करते, बल्कि समाज के जन जन के बीच जाकर अपने अस्तित्व को तलाश करते हैं, तो इसके लिए उन्हें संघर्ष की स्थितियों से गुजरना पड़ता है, आंतरिक संघर्ष करने पड़ते हैं, परिवेश के बाहरी दबाव झेलने पड़ते हैं, और उसके बाद वे न केवल अपने अस्तित्व को पहचान पाते हैं बल्कि उसे जन जन तक विस्तृत भी कर पाते हैं। और यही स्व से पर की जो यात्रा है वो इस अंधेरे में कविता का मुख्य बिंदु है, जिसे व्यक्ति और जन के एकीकरण के रूप में विद्वानों ने परिभाषित किया है, अभिव्यक्त किया है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने अंधेरे में कविता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की और उसके कथ्य की गहराई को जानने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी पृष्ठभूमि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगले सत्र से हम अंधेरे में कविता को अच्छी तरह से, उसकी हर परत को, उसके हर रेशे को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी पकड़ ये जो आज पढ़ा है इस पर और अधिक मजबूत हो जाए और परीक्षा में इससे संबंधित एक भी प्रश्न आपका गलत ना होने पाए। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।